वर्ष 1910 से लगने वाले पट्टी के ऐतिहासिक दशहरे मेले पर इस वर्ष कोरोना के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर पट्टी का ऐतिहासिक दशहरा मेला स्थगित कर दिया गया। मंगलवार की सुबह आयोजित रामलीला समिति की एक बैठक के दौरान निर्णय लिया गया। मंगलवार को पट्टी डाक बंगले पर मेला समिति के पदाधिकारी के साथ एडिशनल SP सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी, CO अतुल अंजान त्रिपाठी व कोतवाल पट्टी नरेंद्र सिंह, SDM धीरेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार विनोद गुप्ता के साथ एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि पट्टी का ऐतिहासिक दशहरा मेला नहीं लगेगा। इस मेले में बीते वर्षों में जो भी परंपराएं होती रहीं वो सारी परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा, लेकिन इसमें समिति के लोग ही शामिल होंगे। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रामलीला समिति की बैठक हुई। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? इस बैठक में निर्णय यही लिया गया कि 22 तारीख को 2 बजे से शोभा यात्रा निकलेगी राम जी की, और शोभा यात्रा को भ्रमण करते हुए मेला ग्राउंड में पहुंचेगी और रावण दहन होगा। रावण दहन के बाद समापन हो जाएगा उस दिन का, और उसके बाद दूसरे दिन कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन 24 तारीख को रात में या 25 तारीख को भोर में सूक्ष्म रूप से भरत मिलाप का आयोजन होगा। तो कहने का मतलब कि कोविड के चलते इस बार मेला का स्वरूप जो है बहुत छोटा कर दिया गया। भीड़ बिल्कुल नहीं होगी, दुकानें नहीं होगी, बाकी औपचारिकता पूरे केवल मतलब एक पारंपरिक रूप से औपचारिक परंपराएं पूरी निर्वहन होंगी। क्या मेले का उद्घाटन भी होगा? नहीं उद्घाटन नहीं होगा। जब मेला लगेगा तो उद्घाटन क्या होगा?